जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इधर पुंछ में, जिसमें हमारी मेंडर 90 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आती है, यहाँ पे चुनाव जो है 25th को यानी कि डे आफ्टर टुमारो जो है वो होने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी पोलिंग पार्टीज जो हैं वो कल 24th को डिस्पैच की जाएंगी। सुबह 7 बजे से हमारे जो काउंटर्स हैं वो फंक्शनल होंगे पूरे, और वहाँ से जो पोलिंग पार्टीज जो हैं वो बारी बारी से अपना सामान लेके जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ को जो है वो रवाना होंगी। अलग अलग काउंटर्स बने हैं, उनको मैन करने के लिए अलग अलग जो हैं वो ऑफिसर्स जो हैं वो हमने डेजिग्नेट किए हैं, उनकी टीम्स बनी हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं। सभी लोगों की बार बार ट्रेनिंग हुई है, चाहे वो पोलिंग स्टाफ हो या अपने माइक्रो ऑब्जर्वर्स हों, मैजिस्ट्रेट्स हों, तो सभी लोग जो हैं वो पूरे फुल तरीके से गेयर्ड हैं इस इलेक्शंस को जो है पूरे कामयाब तरीके से, सही तरीके से करवाने के लिए। और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए भी हमने जो है हमारे 142 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं मेलर, इसमें मेंडर 90 में, तो उनको हमने दो भागों में विभाजित किया है। 94 स्टेशन हमारे जो हैं जिनको हमने क्रिटिकल डेजिग्नेट किया है, वहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी स्ट्रेंथ जो है बाकी पोलिंग स्टेशन के मुकाबले में विजावी अदर्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगी। तो हम पूरी उम्मीद लगाते हैं कि आप लोगों के तआवुन से, आप लोगों के कॉपरेशन से, पब्लिक के कॉपरेशन से और हमारी ये जो टीम है, हमारी टीम की जॉइंट एफर्ट से हम एक सक्सेसफुल और पीसफुल जो है चुनाव मेंडर में करवाने में जो है कामयाब होंगे। सर, अक्रॉस द फेंस भी कुछ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अक्रॉस द फेंस भी जो है हमारे 6 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर भी हमारी पोलिंग पार्टीज जाएंगी। उसमें जो है हमारा आर्मी के साथ भी हमारा पूरा रابطہ रहता है ताकि पोलिंग पार्टीज़ को जो है गेट्स को क्रॉस करके जाने में जो कोई दिक्कत ना आए, तो वहाँ पे भी प्रॉपर है। हमने पोलिंग स्टेशन में विज़िट भी किया है, उधर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम मद्देनज़र रखते हैं, जैसे पानी, बिजली वगैरह, ताकि जो बॉर्डर के जो फेंसिंग के फेंस के पार जो लोग रहते हैं उनको भी कहीं ये फीलिंग ना आए कि वो जो है मेंडर के बाकी जो पोलिंग स्टेशन हैं उनसे जो है बनिस्बत उनके जो है उनको कहीं ना कहीं जो है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो सभी पोलिंग स्टेशन पे जो है हमारा एक ही जैसा फोकस रहेगा, चाहे वो बॉर्डर के तार के पार हों या इधर हों। हाँ, ये ज़रूर है कि वो तार के पार वालों पर थोड़ा हमारा स्पेशल फोकस इस एंगल से रहता है कि वो कुछ उनकी लोकेशन की वजह से उनके कुछ इशूज़ जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं बाकी पोलिंग स्टेशन के।